हेलो फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड मल्टी एजुकेशन पॉइंट मैं श्रीकांत कुमार आज फिर नए टॉपिक लेकर आया हूँ तो आज बताने जा रहा हूँ यूट्यूब क्लब के बारे में तो इसमें मैं आज डिस्कस करूँगा जनरल इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यूज वर्किंग ऑन इट करियर मेंटेनेंस तो स्टार्ट करते हैं जेंडर इंट्रोडक्शन से इसमें पहला पॉइंट है योटो क्लैब इज एन इलेक्ट्रिक मशीन योटो क्लैब एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मशीन है दूसरा पॉइंट एन एस्ट्रीम स्टीम डाइजेस्टर वाज क्रिएटेड बाय डेनिस पाइपिन इन सिक्सटीन सेवेंटी बट एन यूटो तो क्लैब वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स चैम्बर इन एटीन सेवेंटी एक एसटीम बनाने वाले अस्टीम बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट का खोज डेनिस पैपिन ने किए थे बट एक यूट्यूब क्लैब का खोज चार्ल्स चैम्बर ने एटीन नाइन में किए थे यह थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन ऑफ एम एल टी लैब और हॉस्पिटल एम एल टी लैब और हॉस्पिटल के लिए यह मशीन बहुत इम्पोर्टेंट है यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है नेक्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल यूटो क्लब का प्रिंसिपल क्या है इट किल्स माइक्रो ऑरगिनीज वजिंग एस्टीम एंड एस्टीम विथ हाई प्रेशर सो कनेक्टिक एनर्जी इज इंक्रीज यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है अस्टीम स्टीम और हाई प्रेशर दोनों एक साथ बनाकर सो कनेक्टिक एनर्जी इज इंक्रीज नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट यूटो का इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट कौन कौन सा है पहला पावर कोड नेक्स्ट योटोक्लब क्वल ऑफ यूटो क्लै बॉडी ट्रे ऑफ योटो क्लैब ट्राइपोड स्टैंड ऑफ योटो क्लैब बॉडी ऑफ हैंडल यूटो क्लैब लीड प्रेशर गेज सेफ्टी वाल्व सॉरी प्रेशर गेज सेफ्टी वाल्व एयर रिमूवल वाल्व प्रेशर कंट्रोल वाल्व पावर कोड जिसके थ्रू हम उसमें पावर सप्लाई करेंगे दूसरा क्वाइल ऑफ यूटो जो प्रेशर प्रेशर को प्रोड्यूस करता है बॉडी यूटो क्लब का बॉडी ट्रे जिस पर हम किसी भी जिसको भी इस्टलाइजेशन करना है ट्रे, ट्रेप रखेंगे ट्रैपोड स्टैंड ऑफ यूटो क्लब उसका स्टैंड लगा रहता है बॉडी हैंडल जिसके थ्रू हम यूट्यूब क्लब को ओपन करेंगे यूट्यूब क्लब लीड प्रेशर गेज सेफ्टी वाल्व लगा रहता है एयर रिमूवल स्टर रिम, एयर को रिमूव किया जाता है प्रेशर कंट्रोल करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है इसमें इसमें डायग्राम में देखते हैं प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस प्रेशर गेज सेफ्टी वाल्व ऑटो क्लब लीड हैंडल इसी के थ्रू हम ऑटो तो क्लब को ओपन करेंगे ऑटो तो क्लब बॉडी यह ऑटो तो क्लब का बॉडी है स्टीम रिलीज इसके थ्रू स्टीम स्टीम को रिलीज किया जाता है भैकम रिलीज इसके द्वारा भैकम को रिलीज किया जाता है आउटर स्टैंड ये आउटर स्टैंड है नेक्स्ट पढ़ते हैं यूज यूट क्लब का यूज कहाँ कहाँ पर है पहला पॉइंट मोस्ट ही एस्टेलाइजेशन यूट्यू क्लब मोस्ट हीट एस्टलाइजेशन है बट मैं हॉट एयर ओवन का भी वीडियो बनाए हैं जो कि आप लोग जाके देख सकते हैं वह ड्राई हीट एस्टलाइजेशन था वह ड्राई करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कोई भी माइक्रो ऑरगेनिज्म को किल करता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म में करता था बट यूटो क्लेमस्टे एसटिलाइजेशन है इसमें ड्राई हिट नहीं हो होता इसमें हम किसी भी प्लास्टिक वस्तु को भी एस्टिलाइजेशन कर सकते हैं बट यूटो क्लेम में प्लास्टिक का प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट को एस्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हॉट एयर ओवेन ड्राई हिट एस्टिलाइजेशन है और ड्राई करके उसको गला देगा नेक्स्ट पॉइंट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ स्पोर को भी किल कर देता है प्रिपेयर कल्चर मीडिया यूट्यूब तो क्लब में कल्चर मीडिया को भी बनाया जाता है प्री ऑफ ऑफ डिस्पोजल एंड नॉन डिस्पोजल वास्ट प्रोडक्ट जितना भी वास्ट प्रोडक्ट लैब का है या हॉस्पिटल का है पहले हम एस्टलाइजेशन करेंगे तभी उसको बाहर कहीं फेंकना है फेंकेंगे नेक्स्ट पॉइंट वर्किंग ऑन इट यूट्यूब क्लैब पर हम काम कैसे करेंगे पहला पॉइंट ई ओपन इट बाय यूजिंग बॉडी हैंडल बॉडी हैंडल का प्रयोग करके यूट्यूब क्लैब को ओपन करेंगे पुट द सैंपल ऑन इट ट्रे ट्रे के ऊपर जिसको भी इंस्टेलाइजेशन करना है उसको हम रखेंगे नाव क्लोज दूट्यूब क्लैब लीड यूट्यूब क्लैब लीड को क्लोज करेंगे जो ओपन किए थे स्विच ऑन द पावर स्विच पावर स्विच को ऑन करेंगे एक्स्ट्रा एयर को रिमूव करेंगे जितना समय हमको चाहिए जितना रिक्वायर्ड टाइम है उतना देर तक वेट करेंगे पुट ऑफ द मेन स्विच मेन स्विच को ऑफ करेंगे स्टेलाइजेशन होने के बाद रिमूव द आर्टिकल जितना भी आर्टिकल है जितना भी इंस्ट्रूमेंट को हम दिए थे स्टेलाइजेशन करने के लिए सारा चीज़ को रिमूव कर लेना है भाइयों और बहनों तो अगला पॉइंट केयर एंड मेंटेनेंस है इसमें पहला पॉइंट डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ द मेन स्विच मेन स्विच को ऑफ करना नहीं भूलना है क्लीन द एटो क्लेव आफ्टर यूज यूटू क्लेव का प्रयोग हो जाने के बाद उसका स्विच को ऑफ कर देना है और क्लीन भी कर देना है जिससे कि यूट्यूब क्लेव मेरा जल्दी ख़राब ना हो और ज़्यादा दिन तक रहे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो